बिग बॉस 15 चल रहा है, आप फॉलो तो कर ही रही होंगी। कैसा जी मैं रोज देख रही हूँ। लग रहा है सीजन, धमाकेदार है या फिर एक्सपेक्टेशंस के बराबर नहीं है? नहीं, है धमाकेदार है। क्योंकि इस बार जो कंटेस्टेंट डाले हैं उन्होंने, वो इतने कई बार जब लड़ाई हो रही होती है तो वो एक हाइट के, एक एज के, एक सारे, मतलब वो जब लड़ रहे होते हो तो दिखता है कि पैशन है। और बड़े स्ट्रांग कंटेस्टेंट है इस बार, और हमें इंटरेस्ट इसीलिए भी बन गया, हम फर्स्ट डे से देखते आ रहे हो तो हमें पता चल रहा है किसकी कहानी किधर चल रही है, किसकी कहानी किधर चल रही है। तो हम उसको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, और कई बार तो इतनी तेज तेज लड़ाई होती है, मैं सोचती हूँ हम लोगों को कैसे देखते थे लोग बाहर, मैं तो म्यूट कर देती हूँ। लेकिन जहाँ तो एक तरफ लड़ाई झगड़ा होता है, वहां प्यार मोहब्बत भी हो रहा है। जैसे आपकी लव स्टोरी बिग बॉस के घर में स्टार्ट हुई थी, और अभी ईशान और मीशा का हम काफी पीढ़िए हमें देखने को मिला, तो आपको क्या लगता है कि इनकी कहानी आगे कितना बढ़ेगी? अभी तो शुरुआत है, कुछ कह नहीं सकते। ये घर ऐसा है कि जो इसके अंदर जाता है उसी को ही पता है, बिकॉज ये इतना पजल कर देता है। दिखने में बड़ा इजी है लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा होता। लेकिन हम इसीलिए इतना जज करते हैं, बिकॉज मेरे बारे में अगर कोई गॉसिप कर रहा होगा तो वो दूसरे कोने में कर रहा है, लेकिन कैमरा उसको कैप्चर कर रहा है, लेकिन मैं अंदर हूँ, मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या बात कर रहा है। तो घर ऐसा है लेकिन ये रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। हम लॉकडाउन में रहे तो आप देखो कि हमने भी वो लाइफ जी, आप लोगों ने जी है कि जब कुछ नहीं होता, आप लोगों के पास फोन थे, हम लोगों के पास वो भी नहीं होते हैं, तो ये आपकी सारी सेंसेस को ही खत्म कर देता है अंदर। तो बट हमारे टाइम पे तो हमने खो खो तक खेली है, गेम्स खेली हैं, चाइनीज विस्पर खेला, लड़ाइयां की हैं, प्यार हुआ है, लोग एक हुए हैं। तो हमारे टाइम पे हमने सारे इमोशंस एक ही साथ जी लिए थे, इसीलिए हम लोगों को पसंद भी किया गया ज्यादातर। लेकिन इस वाले शो को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मैंने देखा है कि बड़े धूम धड़ाके हो रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी 4 महीने का शो और पड़ा है, पता नहीं क्या क्या होगा। क्या लगता है कौन जाने वाला है फिनाले तक? आपके दिमाग में कुछ नाम है? मुझे बाकी तो पता नहीं, बट शमिता, जय, करण, तेजस्वी, ये तो डेफिनेटली जाने वाले हैं, वो तो क्लियर पता है कि ये 4 लोग जाने वाले हैं। और बाकी आई होप उमर अच्छा करे और वो भी एंड तक जाए, हमारे लिए तो वही है, तो कहते हैं सब रास्ता निकाल के वही एंड तक जाए। तो जी बिल्कुल।